देखिए, आज मैं अपने डॉग के लिए कपड़े बनाऊंगी। तो मैं ऐसे ही कपड़ा बनाऊंगी, जैकेट टाइप का, उसे पहनने के लिए, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है। तो मैंने ये डबल करके रखा हुआ है, नेट का कपड़ा लिया है मैंने ये। और इसकी चौड़ाई है डबल में 9 इंच, अब वैसे 18 है। तो मैं इसमें 5 इंच का कपड़ा और लगाऊंगी ऊपर। इसकी लंबाई मैंने लिया है अपने डॉग के हिसाब से, लंबाई जैसे 20 या 21, 22 जो भी रखनी है। तो मैं ये 22 इंच का बना रही हूँ। इसको डबल करके जो मैंने रखा हुआ है चौड़ाई में, तो इसको हम बीचों बीच काट लेंगे। ये देखिए, ये मैंने काट भी दिया है आधा। तो और यहाँ से भी कैंची से काट देंगे। तो ये देखिए, मैंने काट दिया है। अब इसका एक पल्ला निकाल देंगे। और ऐसे ही मैंने 5 इंच का नेट का कपड़ा दूसरा भी लिया है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। ये देखिए, मेरा 5 इंच का कपड़ा लिया है ये, इसी की लंबाई के जितना। और इसको इस पे रख के सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे रख के हम पूरे में दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है इसमें। ये देखिए, बीच में हमारा नेट अलग आया है और ये वाला नेट अलग है हमारा। ये देखिए, बीच में डिजाइन वाला नेट आया है। गर्मियों में हम अपने डॉग को अच्छे नेट वाले कपड़े पहना सकते हैं, बाकी तो वैसे कपड़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड तो हम ऐसे ही सिलाई मार के ऐसे सिलाई लगा देंगे, और दूसरी साइड हम कॉलर बनाएंगे। यहाँ पर इसको ऐसे डबल कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर कॉलर लगानी है। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच का हल्का हल्की सी कटिंग कर दूंगी। और यहाँ पर मैं 8 पर निशान लगा करके, 8 या 9 पर निशान लगा करके, फिर ये मुट्ठी की जो कटिंग है हमारी, ये भी यहाँ पर 8 पर निशान लगा करके इसको हल्का सा गोल कर दूंगी। तो अब हम इसे कट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसको भी काट लेंगे। ये मैंने ये मुड्ढे काट लिए हैं, और ये मैंने गला भी काट लिया है हल्का सा। अब हम इसे इस पूरे कपड़े में कॉर्नर लगा देंगे, और यहाँ पे हम कोई भी पट्टी सिल देंगे। तो ये देखिए, मैं इस कपड़े का काले कपड़े में मैच करूंगी। तो मैं इसमें ये जो रेब वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ से मैं पट्टी निकाल लूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने पट्टी निकाल ली है, और ये पट्टी हमारे दोनों साइड लग जाएगी। और कॉलर भी हमें इसमें से ही बनाना है। तो कॉलर जैसे हमारा, हमने इसमें गला काटा है ये, तो इस हिसाब से हम इसको रख लेंगे ऐसे सीधी साइड से, और इसको नाप करके देखेंगे।
किसकी चौड़ाई कितनी है, ये देखिए इसमें ये पूरा आ रहा है। तो हम ये पट्टी इसमें से 2 इंच की कॉलर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 इंच की पट्टी निकाल ली है। तो ये देखिए ये जो मुड्ढा है इसमें हम ये इसमें पट्टी लगाएंगे ऐसे और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे मोड़ करके और इस पट्टी को थोड़ी मोटी रखेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये मैंने पट्टी लगा दी है दोनों में, ये देखिए। अब जो हमारी कॉलर है वो हम कॉलर जोड़ेंगे इसमें। जो हमारी कॉलर का कपड़ा है हम साइड से आधा आधा इंच सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हो इसमें, और इस दोनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे पहले, फिर इसको सीधा करेंगे। कि मैंने सिलाई लगा दी है इसमें, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। और इधर से भी मैं इसमें बुकरम नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ बिना बुकरम के, क्योंकि गर्मी में क्या करना बुकरम लगा करके। तो देखिए जो हमारा कपड़ा थोड़ा टेढ़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो हम इसे सीधे की तरफ से रख के सिलेंगे ऐसे। जो सिलाई है इसको हम ऐसे मिला लेंगे ऐसे रख के और पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो जो हमारा ये किनारे वाला भाग है जो हमने पाइपिंग लगाई थी उसको भी हम सिलाई पे ऐसे रख लेंगे और पूरा सिलाई तक लगा देंगे इसको ऐसे। ये देखिए अब हम इसे पलट लेंगे, सुई को बाहर निकालेंगे। और तो देखिए ये जो हमने सिला है इसको अंदर कर देंगे उंगली से, उंगली की मदद से। और जितना कपड़ा हमारा फालतू है उसको हम अंदर को दबा देंगे ऐसे उंगली से। ये देखिए, और यहाँ पर हम पलट करके सिलाई, पूरे कपड़े पर पूरी कलर को हम ऐसे ही सिल देंगे। ये देखिए ऐसे सिल करके पूरा सीधा सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए अब हमने पूरा सिल दिया है। तो दूसरे वाला कॉलर का कोना जो है उसको भी हम उंगली की मदद से ऐसे अंदर करके और यहाँ पर पूरा सिल देंगे। ये देखिए अब हम सुई को एक बार और ऐसे सिलाई लगा देंगे ऊपर कॉलर पे ऐसे ही। हम दूसरी वाली कॉलर पे सिलाई लगाएंगे इसके कोने बनाने के लिए। और ये देखिए ये हमारी कॉलर बन गई है दोनों साइड से, इधर से भी और उधर से भी। तो ये हमारे डॉग की कॉलर जैकेट तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें बटन तो नहीं लगाएंगे क्योंकि बटन ये काट देते हैं। तो हम इसमें तनी लगाएंगे, एक तनी तो हम यहाँ पर लगाएंगे और एक तनी हम ये नीचे वाले हिस्से पर लगाएंगे। तो हमें 4 तनी काटनी है। तो ये देखिए मैंने काले कपड़े का ही तनी ले लिया है, ये मैंने 5.66 इंच की तनी काटी है। ये देखिए ऐसे ही हम 4 तनी काट लेंगे। और जो हमारा ये हिस्सा है पहले ये देखेंगे सीधी तरफ, तो हमें उल्टी साइड से रखनी है तरी को ऐसे ऐसे रख करके इसमें सिलाई लगा देंगे कई बार। ऐसे ही हम इस पर रख के ऐसे उल्टी साइड से और यहाँ पर भी कई बार सिलाई लगा देंगे। एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे ही हमें 3-4 बार सिलाई लगानी है। ये देखिए
तो ये देखिए ये तनी हमारी लग चुकी है। ऐसे ही हमें और दो तनी लगानी है। तो जो हमारा हमारी जो और दूसरी तनी लगेगी वो नीचे पेट पर लगेगी, यहाँ जो पेट के बीच में तनी आएगी हमारी। ठीक है, मैंने लगा दी है तनी। तो ये देखिए मैंने तनिया लगा दी है चारों। अब हमें क्या करना है, जो हमारे गले पर है ये ऊपर गले पे हमें क्या करना है, इस पे हम पट्टी लगाएंगे जो कि हमारी गर्दन के हिसाब से हमारे डॉग की गर्दन में ना हो भीचे और खुला रहे, और इसको भी हमें यहाँ पर चिपकाने वाला लगाना है। तो ये देखिए जितनी बड़ी हमारी कॉलर की चौड़ाई है उसी हिसाब से, और इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है जो कि ऊपर गर्दन तक आ जाए, और इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए अब इसको भी मुझे सिलना है। इसको एक किनारे से सिल करके पूरी सिलाई लगा लेंगे, एक साइड खुला छोड़ देंगे। ऐसे ही पूरा सिल देंगे। देखिए ये मैंने सिल दिया है पूरा, अब हमें इसे सीधा करना है तो हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए कैंची की मदद से इसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसे सिलेंगे कॉलर में। तो जो हमारी कॉलर है इस कॉलर के अंदर से हम ऐसे लेंगे इसको, और यहाँ पे पक्की करके सिलाई लगा देंगे। एक साइड, एक साइड हम खुला रहने देंगे कि जब हम डोंगी के बांधेंगे तो इसको जितना भी हमारा टाइट या ढीला करना है उस हिसाब से हम यहाँ पर चिपकाने वाला लगा देंगे। तो देखिए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए तो जब हम डोगी को पहनाएंगे तो ये गर्दन है, इस गर्दन पे हम एक चिपकन यहाँ लगाएंगे और एक चिपकन यहाँ लगाएंगे, और इसको अगर हमें टाइट करना है या ढीला करना है ऐसे करके हम इसे पहनाने के लिए रखेंगे। और ये जो हमारा बाजू के पास बांधने का है ये भी बांध देंगे, और एक पेट पर मैंने बनाई है तनी, ये डॉग के पेट पर बांधने के लिए है। तो ये ऐसे करके हम घर में भी डॉग के कपड़े बना सकते हैं। देखिए कितने प्यारा लग रहा है, अभी मैं आपको पहना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने अपने डॉग को पहना दिया है। ये देखिए कॉलर कितनी प्यारी लग रही है, मैंने अपने डॉग को पहनाया है। इसे ठंड भी गर्मी भी नहीं लगेगी, और गर्मियों के अच्छे कपड़े मैंने इसे पहना दिए हैं। देखिए कितने आराम से पहन करके ये लेटी हुई है। आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।